हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित पैडागोजी का 15 क्वेश्चन का एक सेशन लगाएंगे जो कि सीटेट परीक्षक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप आगामी वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करती हैं। रिजुल एक गति संवेदी विद्यार्थी है, उसकी शिक्षिका श्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का चयन करना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना। तो ये आड़ी तिरछी रेखा की इनकी प्रतिच्छेदन बिंदु गिनना है, काउंट करना है। सेकेंड है सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना। थर्ड है दो तीन आदि के गुणज प्राप्त करने के लिए दो भिन्न रंगों वाले मोती और धागे का प्रयोग करना। जब दो और तीन मोती धागे वाले भिन्न दी गई उन्हें याद करने के लिए बोला गया, प्रयोग करने के लिए बोला जा रहा है। और एक कटवा गिनती फोर्थ है, कटवा गिनती। तो यहाँ पे कटवा गिनती काउंटिंग है यहाँ पे इस तरीके से दी गई है। तो ये क्या है, एक रिजुल एक गति संवेदक विद्यार्थी है, तो उसकी टीचर नेहा नाम की, तो अधिगम शैली के लिए किस प्रकार से गुणन संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए व्यूह रचना बनाती है या चयन करती है। तो यहाँ पे जैसे बात करते हैं, यहाँ पर आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना ही सबसे बेहतरीन व्यूह रचना होगी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा इसका फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ ही साथ में। कक्षा सेकंड में एबाकस का प्रयोग में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्थानीय मान की महत्वता को समझने, सेकंड है बिना किसी त्रुटि के संख्या को पढ़ाने, थर्ड है शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखने, फोर्थ है गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने। तो यह एबाकस की बात की जा रही है, जो एबाकस होता है सेकेंड क्लास में किस प्रकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे शब्दों में दी गई संख्याओं की समान अंक लिखने में ये हमारी सहायता नहीं कर सकता है, इजी करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन विद्यार्थी में क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता या कलात्मक गुणों को विकसित करता है, सेकेंड है विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, थर्ड है सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, फोर्थ है यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, और संख्याओं और संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। तो यह पैटर्न पहचानने की बात हो रही है और उनका पूरा प्राथमिक स्तर पर गणितीय परिचर्चा या पाठ्यचर्या की अनिवार्यता हिस्सा है, क्योंकि तो यहाँ जैसे बात करते हैं, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्या और संख्याओं की विशेषताओं को समझने में सहायता करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको अगर वीडियो मिलती रहेंगी। सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिरूपों का प्रयोग करना, सेकंड भूमिका निर्माण रोल प्ले, थर्ड है बहुत सारे सवाल हल करना, फोर्थ है सूचना और संप्रेषण तकनीक ICT का प्रयोग करना। तो यहाँ पे धनराशि कुशलता आत्मसात करने के बारे में बात की जा रही है, तो कौन सी व्यूह रचना होगी, तो ये बात की जा रही है। तो यहाँ पे जैसे बात करते हैं कि यहाँ पर भूमिका निर्माण रोल प्ले इज द बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है कि सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने में होगा, कि बच्चे यहाँ पे क्या है उस चीज़ को खुद करेगा, सेल्फ करेगा, सक्रिय होगा तो अच्छी तरह से सीख पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में। एक शिक्षक आधार दस और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है, मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ, इस गतिविधि का उद्देश्य है। कक्षा फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में कुछ मजा करना और एक सरता को तोड़ना, सेकंड है आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, थर्ड है योगात्मक संकल्पना आकलन करना,
फोर्थ है विद्यार्थियों को धाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। तो जैसे यहाँ पे एक शिक्षक है वो आधार दस स्थानीय मान की संकल्पना विकसित करना चाहते हैं, विकास करते समय एक पहली प्रयोग करता है, मैं आठ धाई और चार इकाई हूँ, तो इस गतिविधि का उद्देश्य क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आधार दस और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करने की बात की जा रही है इस गतिविधि के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है, फर्स्ट ऑप्शन संख्याओं को सैकड़ा धाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना, स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना, सेकंड है चार अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन की कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, थर्ड है बड़ी संख्याओं को समझने की कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, फोर्थ है छः अंकों तक गणना करना। तो यहाँ पे कक्षा थर्ड की बात की जा रही है, तो संख्या पद्धति पढ़ने का उद्देश्य जो होना चाहिए वो क्या होगा हमारा, कि यहाँ पे संख्याओं को सैकड़ा धाइयों और इकाइयों के समूहों को के रूप में देखना और स्थानीय मानों की समर्थकता को समझना ही सबसे बेस्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल को प्रेस करना जिससे वीडियो मिलती रहेंगी आपको। कक्षा थर्ड के विद्यार्थी को लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाले टेप, सेकंड है विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, मापने वाली छड़, मापने वाली पट्टी जो वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं, सेकंड है मापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो, ये थर्ड है हमारा। फोर्थ है विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। तो यहाँ कक्षा थर्ड की बात की जा रही है, कक्षा थर्ड में विद्यार्थियों को लंबाई मापने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित सामग्री साथ में ले जानी चाहिए कक्षा के अंतर्गत। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात करती हैं तो यहाँ पे विभिन्न लंबाई और इकाइयों मापने वाली है, जैसे रूलर, फुटा, मापने वाली छड़, मापने वाली पट्टियाँ वस्तुकार द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली, तो इस प्रकार की चीज़ें ले जाएगा वस्तु हैं। तो आप ये क्या अच्छी तरह से सीख पाएंगे बच्चे, क्योंकि बच्चों को यहाँ मूर्त चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में। कक्षा फिफ्थ के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है, फर्स्ट ऑप्शन विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पक्ति, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना, सेकंड है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना, थर्ड है आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना, फोर्थ है इकाई वर्गों की गणना की या गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। तो यहाँ पे फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट हैं, तो उन्हें समतल आकृतियाँ बताने के लिए, उनको क्षेत्रफल संकल्पना को बताने के लिए किस चीज़ से परिचय कराना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पेंसिल, पत्तियाँ वगैरह आदि की सहायता से हम आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में मापना बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये मूर्त वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है क्लास के अंतर्गत, तो बच्चे आराम से मूर्त वस्तु सीखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा पढ़ाया जा सकता है, फर्स्ट ऑप्शन केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके, सेकेंड कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, थर्ड है संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, फोर्थ है केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। तो यहाँ पर गणित में गणना संबंधी कौशलों को बढ़ाने की बात की जा रही है। तो जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड है केवल, तो जैसे केवल वर्ड की बात करेंगे तो इसका हमारा रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल है, क्योंकि केवल इस प्रकार की चीज़ें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नेगेटिव दर्शा रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। फोर्थ में भी केवल संज्ञानात्मक दिया तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर छुपा हमारा सेकंड और थर्ड में। तो जैसे हमें कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का प्रयोग करेंगे, आयोजन करेंगे, तो बच्चे क्या उसमें जल्दी सीख जाएंगे, बच्चे उसमें एक्टिव हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रेड गतिविधि का प्रयोग करती है, उसका एक नमूना नीचे दिया गया है। यहाँ पे रीना एक शिक्षिका है, दशमलव गुणन के बारे में, संकल्पना के बारे में बताना चाहती है बच्चों से शिक्षण करने के लिए, तो ग्रेड गतिविधि ली है उन्हें,
तो इस प्रकार की ग्रेड गतिविधि है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 0.06, 0.3 यहाँ पे ब्रैकेट सा बनाया हुआ है, फिर यहाँ पे दिया गया ये डब्बे थोड़े से हाईलाइट कर दिए हैं, तो 0.2। तो इस प्रकार से गतिविधि दी गई है, तो नीचे लिखा भी है कि 0.2 इंटू 0.3, तो इसे इंटू किया गया है, फिर 0.06 दिया गया है। तो इस पद्धति के प्रयोग द्वारा तो रीना क्या करवाना चाह रही हैं शिक्षिकाएँ, जो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही हैं और प्रक्रमणशीलता ज्ञान पर कम। सेकेंड है सीखने परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही हैं। फोर्थ है सॉरी थर्ड है समस्या समाधान कौशल की विकास पर बल दे रही हैं। फोर्थ है प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज़्यादा बल दे रही हैं और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम। तो किस प्रकार के ज्ञान पर अधिक बल दे रही हैं, तो ये क्वेश्चन में देखना है हमें। तो जैसे हम बात की जाए तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी या गतिविधि की जा रही है वो क्या कि यहाँ पे संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही हैं और प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम दे रही हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते रहें साथ ही साथ में। योग और विवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की पद्धतियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। सेकेंड है सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना। थर्ड है सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना। फोर्थ है गलत आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही। तो यहाँ पे योग विवकलन आधारित शब्दों के बारे में बात की जा रही है, जो सवाल दिए गए हैं उन्हें हल करने के लिए विद्यार्थी दक्षता आकलन की ये शीर्षक होंगे। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जैसे कि यहाँ पे बात करती हैं सवाल का बोधन, निष्पादन की जाने वाली संक्रियाओं की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समस्या समाधान प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पे इस प्रकार की क्रिया कराएंगे, तो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा हमारा फर्स्ट वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पे भिन्नों को समझाने के लिए एक शिक्षक ने क्या पट्टी मोड़ने वाली गतिविधियों का प्रयोग कर रहा है। इस प्रकार की पट्टी ले ली है, ये तीन पट्टियाँ ली हुई हैं। तो जैसे कि ये पट्टियाँ मोड़ दी, यहाँ पे 1.2 हो गया, ये पट्टी मोड़ दी इसने तो 1.4 हो गया, या फिर ये पट्टी मोड़ दी तो 1.8 हो गया। इस प्रकार की गतिविधियाँ की है भिन्नों को समझाने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है विषय वस्तु संबंधी गतिविधि, सेकेंड है विषय वस्तु पश्चात गतिविधि, थर्ड है समय की बर्बादी, फोर्थ है विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि। तो जैसे कि यहाँ पे विषय वस्तु, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे भिन्नों की योग की संकल्पना को पढ़ाने से या योजना बनाते समय, पाठ पर योजना बनाते समय क्या योजना पहले ही बनाई गई है यहाँ पे, तो पठ्य को मोड़ने की गतिविधि की जा रही है। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ कब ली जा रही है, तो इस चीज़ पूछी जा रही है। तो ये क्या चीज़ है, ये गतिविधि क्या पहले की जा रही है, कैसी की जा रही है, ये गतिविधि क्या पहले की जा रही है। तो इसे हमारा का आंसर होना चाहिए यहाँ पे विषय वस्तु से पूर्व की गति, पूर्व मतलब पहले की गति की जा रही है, ये बाद में समझना है पूर्व को, पहले की गति की जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में। कक्षा फोर्थ के विद्यार्थियों को यह समझने के लिए कि शेष हमेशा भाजक से कम होता है उचित उपागम है। तो फर्स्ट ऑप्शन है श्यामपट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है। सेकंड है अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना। थर्ड है विभाजक वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। फोर्थ है वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में सामूहिकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूहों में नहीं है विभाजक से कम है। तो यहाँ पर फोर्थ क्लास के विद्यार्थी हैं, उन्हें समझाने के लिए शेष विभाजक कम होता है उच्चतम उसका उपागम होगा, ये क्वेश्चन पूछा रहा है। तो यहाँ पे जैसे बात करते हैं, यहाँ पे वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में सामूहिकृत करना और प्रतिशत करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूहों में नहीं है विभाजक से कम है। तो इस प्रकार की एक्टिविटी या क्रियाविधि कराएंगे तो उपागम कराएंगे तो बच्चे से अच्छे से सीख पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक शेयर करते हैं साथ ही साथ में। भिन्नों का योग बढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियां बहुत आम है। भिन्न को पढ़ाते समय श्री सिंह पढ़ा रहे हैं भिन्नों को, तो आम प्रकार की त्रुटियां पाई गई हैं। तो ये भिन्न है हमारी 1/3 प्लस सॉरी या फिर
टू अपॉन थ्री है यहाँ पे, वन प्लस है यहाँ पे, टू अपॉन फाइव है इज इक्वल टू फोर अपॉन टेन। तो श्री सिंह को निम्नलिखित उपचात्मक कार्य करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास कराना, सेकंड है असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना, और बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना, थर्ड है विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग वाले सवालों का अभ्यास कराना, फोर्थ है हर के लघुत्तम समावर्तम लासा की संकल्पना को स्पष्ट करना। तो यहाँ पे जो बच्चा जो मिस्टेक कर रहा है, जो गलती कर रहा है, वो किस प्रकार से गलती कर रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर कि असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना और बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करना इसका बेस्ट होगा, इसको अकॉर्डिंग आंसर इज करेक्ट होगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ ही साथ में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूप में 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है, इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, सेकंड है खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, थर्ड गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, फोर्थ है विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पत्रक देना। तो इस प्रकार की NCF की बात की जा रही है 2005 के अकॉर्डिंग। तो चिंतन और तर्कणा की बात की जा रही है, तो किस प्रकार से इसे शामिल किया जाए, तो इसका दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए बात की जा रही है। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं खोजबीन करना, उपकरणों का प्रयोग करना, हस्तपलक चालकों से प्रयोग करना और संकल्पों को वास्तविक जीवन से जोड़ना, तो इसमें क्या बच्चे इसमें एक्टिव और सक्रिय होगा। तो NCF भी यही चाहता कि हमारा जो करिकुलम हो या पाठ्यक्रम हो वो क्या है, बच्चे की इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पे सेकंड वाला। तो सेशन ये दोस्तों यहीं पे हमारा समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।